क्या कहेंगे, इस्लाम सबसे पुराना, सनातन सबसे पुराना, कौन सा धर्म है सबसे पुराना, टकराव इसी बात पर हो गया। बड़ा बड़ी बात मदनी साहब ने वहाँ से कही कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, कितना पुराना है इस्लाम? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मदनी साहब बतलाएंगे, मदनी साहब का इसका जवाब तो मदनी साहब देंगे ना। वकील साहब, अरे यार वकील साहब आप भी नहीं बता पाओगे भैया, मना किया हुआ है फालतू बोलने के लिए। फालतू नहीं, क्या बताया गया, भाईचारा, दीन, ईमान, धर्म, कुछ तो बताया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यही बताया सब। हिंदुस्तानी एक है, सब भाईचारा बनाए रखे बस। ऐसे क्या कहना चाहेंगे, क्या दिखाया गया? नो कमेंट। चलिए और, हाँ चाचा कहने जा रहे, चलो चलो। नहीं चलिए, और लोग हैं जो आए हैं दूर दराज से, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए? हम तो बिजनौर से आए, जिला बिजनौर। क्या रहा अंदर, क्या बातचीत रही? दीन के बारे में बताया गया। नहीं, वहाँ पर यह भी कहा गया कि अल्लाह और ओम एक है, आप मानते हैं मदनी साहब की बात से सहमत हैं? जी जी। एक बात यह भी कही गई कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, क्या कहेंगे, इस्लाम सबसे पुराना, सनातन सबसे पुराना, कौन सा धर्म है सबसे पुराना, टकराव इसी बात पर हो गया। आप कहाँ से आए थे सर? आप कहाँ से? मुरादाबाद। मुरादाबाद, मुरादाबाद यूपी। क्या रहा अंदर, क्या बात? देखिए बात नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग इनको खींच के ले जा रहे हैं। सर आप कहाँ से आए थे? हापुड़ से आए। हापुड़ तो बगल में ही है। क्या रहा अंदर, कैसी बातचीत रही, कुछ संदेश? कौन सा न्यूज आपका? न्यूज पत्र। तो आप वहाँ गए होंगे, आपको मालूम होगा संदेश जो वहाँ से दिया गया है, क्या उनका प्यार मोहब्बत का संदेश है? ना इत्तेफाकियां, इख्तलाफात नहीं रहने चाहिए, कोई आपस मतभेद नहीं होने चाहिए, और जो हुकूमतें जो अपना काम करती हैं वो अपना कर रही हैं, उनका मसला कोई नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि पूरे मुल्क को जोड़ करके चलना और पूरे मुल्क में अमन शांति से रहना, ये हमें काम करना चाहिए, इसके ताल्लुक से बात बुलाई गई। बड़ा बड़ी बात मदनी साहब ने वहाँ से कही कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, कितना पुराना है इस्लाम? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मदनी साहब बतलाएंगे, मदनी साहब का इसका जवाब तो मदनी साहब देंगे ना, जो मदनी साहब ने कहा तो बताएंगे। आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं। चलिए बातचीत करने के लिए लोग रुक नहीं रहे हैं, हालांकि ये तस्वीर आप देखिए, जो कुछ लोग हैं वो दूर दराज से आए हैं यहाँ पर, जो अधिवेशन था, जो जमात थी। आप कहाँ से आए? बुलंदशहर। आप कहाँ से आयो? इसमें है नहीं, ये तो अधिवेशन था, मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर जिला, मुजफ्फर को आओ। क्या रही, क्या बातचीत रही मदनी साहब? तो मुजफ्फरनगर पे जाते रहते हैं, देवबंद भी रहा आपके अभी प्रोग्राम, क्या रहा अंदर, क्या बातचीत रही? अजीब, बस हम दूर बैठे थे, हमें समझ में नहीं आया, पीछे बैठे थे सर, ना समझ में आया। चैन अमन प्यार मोहब्बत? हाँ प्यार मोहब्बत की बात हुई जी। हाँ चैन अमन की, प्यार मोहब्बत की बात हुई। ये कहा गया कि इस्लाम तो सबसे पुराना धर्म है, कितना आप मानते हो? चलते रहते दूर के आदमी, लेके मत जाओ यार, बात तो करने दो, क्या कहोगे, कितना पुराना है? पुराना, बहुत पुराना जी। चलिए और तस्वीर देखिए, तस्वीर जो लोग हैं, हालांकि आप कहाँ से आए हो भाई? बड़ों से बात करना, बड़ों से, बड़ों से बात करना, इनका कहना है बड़ों से बात करना, मीडिया से कोई बात नहीं करना चाहता। अगर क्या बताया गया अंदर, वही पूछो उनसे, लेकिन मीडिया से बात नहीं करना चाहते, मीडिया से बात क्यों नहीं करना चाहते? देखिए मीडिया से बात, आप कहाँ से आयो? असम। असम, असम। हाँ क्या रहा अंदर, किस तरीके की बात बताई गई अंदर? ये बात ही नहीं करने दे रहे मीडिया से, इतना बड़ा अधिवेशन रहा, 3 दिन तक बात बताई गई, क्या बताया गया, क्या समझाया गया, दीन, ईमान, धर्म, मोहब्बत, प्यार, एकता, भाईचारा, लेकिन बताने को ये लोग रोकने नहीं दे रहे यहाँ पर। इधर कुछ लोग और से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, क्या बताया गया अंदर, गए कहाँ से आए हुआ? अंदर से आए? अंदर से नहीं, पिछले कहाँ से आए? कह रहा उनसे पूछो जाके, अगर अंदर कोई बात बताई गई है तो मीडिया को बताने में क्या आपत्ति है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो चलिए आप भी आए हो क्या, कहाँ से आए हो? हम तो जिस टाइम में। चाचा क्या नाम है? अनीस। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुज़म्मिल अहमद। अरे तो तुमसे ज्यादा समझदार होंगे यार, तुम इनका हाथ पकड़ के ले जा रहे हो, ये देखिए बड़े बुजुर्ग हैं, लड़के उनका हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। तुम्हें क्या बताया गया अंदर, क्या समझाया गया? इधर आओ। उम्र इसकी अभी 19 साल होगी, इनकी 50 साल होगी, इनको हाथ पकड़ के ले जा रहे। अरे कुछ बताया गया है तो बता दो सर। आप क्या बताएंगे, क्या साहब? वकील साहब, अरे यार वकील साहब आप भी नहीं बता पाओगे भैया, मना किया हुआ है फालतू बोलने के लिए। फालतू नहीं, क्या बताया गया, भाईचारा, दीन, ईमान, धर्म, कुछ तो बताया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यही बताया सब। हिंदुस्तानी एक है, सब भाईचारा बनाए रखे बस, भाईचारा बनाए रखे, लेकिन बताने को कोई तैयार नहीं है। 19 साल के लड़के बड़े बुजुर्ग को खींच के ले जा रहे हैं, इनसे बात मत करो। अंदर क्या बताया गया, क्या रहा, ये बताए। कहाँ से आयो?
यही सारे हम यहीं से आ रहे हैं। यहाँ से कहाँ से? जी रामलीला मैदान से। रामलीला मैदान में क्या बताया गया? भाई जाओ, भाई देखिए ये तस्वीर है, ये तीन लड़कों की ड्यूटी अब लग गई है कि किसी को रुकने नहीं देना और मीडिया से बात नहीं करने देना। ये तस्वीर देखिए लंबे। आप कहाँ से आए हो जी? मुजफ्फरनगर। अरे चाचा की तो उम्र तुमसे ज्यादा होगी, क्या बताया गया अंदर? देखिए ये तस्वीर जो मीडिया से बात नहीं की देने जा रही है। आखिर अधिवेशन रहा, बातचीत रही, क्या बताया गया, क्यों बताया गया, इनसे बात खीर मिल गई? एक बात बताइए, तो बात ही नहीं करने दे रहे, क्या बताया गया अंदर, क्या बात रही? हिंदुस्तान को, मुसलमानों को जोड़कर, सब कौमों को जोड़कर रखने का पैगाम दिया हमने। ये देखिए ये बस आ गई इनकी, ये बस आ गई। अरे यार तीन दिन से यहाँ पर आ रहे थे, तब देर नहीं हो रही थी क्या? तुम तीन दिन तक कहाँ है? तुम यही थे बस, तो अधिवेशन खत्म हो गया। पूछ रहा मेरे ऊपर कुछ? ये है भाईचारा, ये भाईचारा निभाने की बात है। आप ये तस्वीर देखिए जरा,